इस्लामाबाद में कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र मैम, आप सुनाएं, आप ठीक है? कर दूं क्लास मैम, क्या कह रही हैं? स्टार्ट कर दूं? मैम 2-3 मिनट वेट कर लें, अभी 12 पार्टिसिपेंट्स हैं। चलो ठीक है। ओके क्लास, अस्सलाम वालेकुम अगेन। हेलो, कैसे बच्चे आप लोग? ठीक मैम, हम देखो। अच्छा ये देखो ना, हमने आउटलाइन जो है वो क्या क्या किया है इसके अंदर ना, ये सारा हो गया हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल, सारा कुछ हो गया, पढ़ लिया पहले मैंने, डिटरमिनेंट, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, सारा कुछ। अच्छा अब इस एसएल सिस्टम को बताते हैं और प्रॉब्लम सेट्स, ये फिर हो गया, फिर आपकी पावर सीरीज सॉल्यूशन, फिर लीजेंडर्स को भी फिलहाल स्किप करूंगा। अब बेसिस क्या हो जाएगा, हम लोग हैं यहाँ पे बेसेल्स इक्वेशन, ठीक, बेसेल्स फंक्शन कर लिया हमने, जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है वो भी कर लिया ना, बोला की पावर टी वाला जी मैम, जनरेट का था, फिर रेकरेंस इसके रिलेशन हम लोगों ने निकालेंगे और ऑर्थोगोनलिटी बेसल फंक्शन कर ली हुई है, बेसल सीरीज का, बेसल सीरीज वाला कौन सी की थी हम लोगों ने? ये जी मैम, हमने सुबह वाली मैम जेएन, नहीं नहीं मैम, जेएन ऑफ एक्स वाली, जेएन एक्स वाला तो हमारा वो बेसल फंक्शन निकला है, सीरीज वाला कौन सी वाली थी मैम? बेसल सीरीज वो याद नहीं है, तुम लोगों ने y नॉट निकाली थी सीरीज, और फिर जो आपने कहा था कि y n वाली हमसे नहीं निकल रही, मैंने कहा था वो मैथमेटिक्स निकली जी, और जी मैं वो y1 वाली बन गई तुम लोग, वो सीरीज थी, सीरीज सॉल्यूशन था उसका, ठीक है, वो सीरीज हमने कर ली हुई है। फर्स्ट काइंड की तो बेसल फंक्शन निकला था ना, तो जो सेकंड काइंड की सीरीज थी वो कैसे बनी थी हमारी, वो सीरीज सॉल्यूशन से मैं दिखाती हूं ज्यादा तुम लोग, अब हमारा बस आ गया स्टार्ट हो जाना है, और जनरल फंक्शन ठीक है। ये देखो जरा इसके अंदर से जो तुम लोगों ने पढ़ा, माइंड फिट हो गया ना क्या क्या करना था, तो तुम छोटी सी आउटलाइन थी, हमें भी इतना कुछ करने बैठे, ये बेसल्स डिफरेंस इक्वेशन कर लिया हम लोगों ने, ये सारा कर लिया, सारा कर लिया, सारा कर लिया, ये भी सारा कर लिया, हमारा हो गया क्लियर हो गया, ठीक है ना? तो और वो फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने अपना ये फॉर्मूले कर लिए, उसके बाद फिर हम लोगों ने सेकंड काइंड को डिफाइन कर लिया, व्हेन एंड इज एन इंटीजर, और जब हमारे पास इंटीजर नहीं है ना, दोनों सिचुएशंस कर लिए, जनरल सॉल्यूशन लिख दिया, और उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो ये हम लोगों ने छोटे प्रूफ किए, उसके बाद सीरीज एक्सपेंशन सही हो गया ना, तो सीरीज एक्सपेंशन के अंदर आपका वाई एन भी आ रहा है और जे एन वाला भी आपका इन्वॉल्व हो रहा है, ऐसी है ना ये सीरीज एक्सपेंशन आप लोग, ये फिर फंक्शन फर्स्ट काइंड, मतलब ये एक्चुअली सारी सीरीज एक्सपेंशन ही हमारी स्टार्ट हुई है, फर्स्ट काइंड की भी आ गई जिसके अंदर ना जीरो ऑर्डर आ गया, फर्स्ट ऑर्डर आ गया, इसी तरह से ये फिर छोटे मोटे दो फॉर्मूले आ गए हैं, ये सारी हमारी सीरीज चल रही है, सही है ना, ये सारी सीरीज सीरीज के फॉर्मूले चल रहे हैं, ये सही हो गया। अच्छा हम लोगों ने फिर अल्टरनेटिव मेथड वाला ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया हुआ है, मतलब ये तो उसमें जितना मर्जी डाल दिया ढेर सारा हम लोगों ने, ये भी कर लिया हुआ हम लोगों ने, इसका जो जेनेटिक फंक्शन वाला नेक्स्ट जे एन एक्स, और ये भी रेफरेंस इसका फॉर्मूले हमारे आगे, हमने रेफरेंस फॉर्मूले कर लिए, ठीक है, फर्स्ट काइंड की भी कर लिया, सेकेंड काइंड की भी कर लिया हम लोगों ने, ये भी सारे कर लिए हुए हम लोगों ने, ठीक है। इसके अंदर से कुछ जो साइन वाले फॉर्मूला थे मैंने कहूँ आपको, आप लोग प्लीज देख लेना, उसमें जस्ट आपने उसकी वैल्यू जो प्लेस किया है ना 1/2 वगैरह से आइए, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो थे वो जस्ट इंटीग्रेट किया जो रेफरेंस फार्मूला वाला था, और ये एग्जाम्पल कर लिया हम लोगों ने, और उसके बाद ये कल हम लोगों ने कर लिया था, और उसके बाद फिर हमारा ये सारा होने के बाद हम लोग पहुँच गए थे इसके ऑर्थोगोनलिटी वगैरह पे, कि जिसमें पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म की जरूरत वाला क्यों पेश है आप लोगों को, मैम किसकी पैरामेट्रिक फॉर्म? ये पैरामेट्रिक फॉर्म ही है ना जी मैम, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? Mm-hmm.
ये पैरामीटर हम डायरेक्ट डायरेक्ट भी जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। हाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं सॉल्यूशन ना, मतलब यहाँ पे जो अगर पैरामीटर आपका चेंज हो जाता है तो फिर वहाँ पे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ना, ठीक है जी। ये वाला और इसको उसमें यूज करना था एक्चुअली ऑर्थोगोनैलिटी वाले केस के लिए, तो इसलिए फिर हमें इसकी जरूरत पूछा, सही हो गया। तो ये सारा हम लोगों ने कर लिया और ऑर्थोगोनैलिटी वाला सारा कर लिया, तो अपने आउटलाइन देख ली ना हम लोगों ने, आउटलाइन से कुछ ज्यादा ही कर लिया होगा, तो ये कर लिया हम लोगों ने। फिर इसके बाद हमने ऑर्थोगोनैलिटी वाला थ्योरम किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने एक्सपेंशन वाली फॉर्म कर ली, स्प्रिंग सीरीज बेसल फंक्शन, एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इन ए सीरीज ऑफ बेसल फंक्शंस, ठीक है। अगर वो सीरीज से मुराद उसकी ये है तो ये भी हमने कर लिया, अगर सीरीज से मुराद उसकी सेकंड काइंड वाला तो वो भी हमने कर लिया। बात समझ लगी बच्चों? ये सीरीज एक्सपेंशन है। अगर हमारा साइन में हमारी मॉडिफाइड बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही, हां है ही नहीं ना, लेकिन फिर भी हमने कर लिया ना, अच्छा काम कर लिया, तो थोड़ा सा देख लिया उसको जी, सही है ना। अब हैंकल तो बिल्कुल भी नहीं है ना, तो उसको मॉडिफ क्योंकि उसके अंदर बेसल आ रहा था, उसको मॉडिफाइड फॉर्म कर लिया, तो जस्ट लास्ट में हमारा अटैच चेंज कर सॉल्यूशन क्या बनता है। आगे हमने इसको सारे इसने पता क्या किया हुआ है, ये मॉडिफाइड फॉर्म के सारे जो थे हम लोगों ने पीछे किया ना सारा कुछ यहाँ रिपीट कर दिया, सारे देखो जरा रेफरेंस फॉर्मूले बना लिया हमें और उसकी वजह से जितने फिर सीरीज बना ली हुई है उनको कर लिया, ठीक है ना। तो हमने कोई नहीं इतना लंबा काम करना, फिर तो आखिर में जाके हमारा जो है वो मैनेज नहीं होना, तो अच्छा है कि हम इसको अभी करें ना, जब हमारी आउटलाइन के अंदर नहीं है, ठीक है ना, देखना होगा वो देख लें नोट्स यहाँ पर हमारे पास। अब मैंने कोई नहीं करवाना, ये देखो कितना लंबा चल रहा है आगे, तो इसके एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स और ये देखो ना इसका रेफरेंस फॉर्मूले जो पहले हम लोगों ने प्रूव किया, वो के की फॉर्म ले रहा है, भला के यहाँ पे क्या ले रहा है वो यहाँ पे ना ये बैलेंस को लेके ना जो मॉडिफाइड फॉर्म है उसी के सारे फॉर्मूले लेके बना रहा है, जहाँ पे जे था वहाँ पे उसको आई फॉर्म में लेके चल रहा है, सीधे सीधे एक्सपेंड कर ली ना सारे फॉर्मूले बना रहे हैं, ये देखो लेकिन ये कोई नहीं मैंने कराना। हाँ अब करने वाली काम जो है वो आपका थोड़ा सा करने वाला काम जो है वो थोड़ा सा एग्जाम्पल जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है ना इनको आप लोगों ने प्लीज देखना, ये मैंने ये कोई नहीं करने की जरूरत है, जो आपकी सॉल्व एग्जाम्पल्स है ना बच्चों काम के सॉल्व एग्जाम्पल कहाँ रहेंगे पता नहीं, कुछ नहीं गुजर रही, ये सॉल्व एग्जाम्पल जरा थोड़ा सा एक देख लेना जो डी एन वाला की फॉर्म होती है, बाकी जरूरत नहीं है काम करने को। देखो मैं कितना लंबा उसमें किसी से लिखी है थोड़ा सा पढ़ ये, अब मैंने कोई नहीं सोचा मैम, पेपर तो हमारा एमसीक्यू स्ट्राइक आना लगता है मैम, ऑनलाइन है तो साथ में पढ़ाई यूज़ स्टार्ट हो गई जी मैम, साथ में पढ़ाई यूज़ स्टार्ट हो गई मैम, क्या कह रही हैं आप, आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा साथ में पढ़ाई यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है मैम, हमारी भी मैम, हमने तो सुना है कि पेपर्स ऑनलाइन, मैम हमने तो सुना है कि पेपर ऑनलाइन होने और ये जो है ये यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं है, ये किसने बताया आप लोगों, मैम किसी यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है जिनके प्रैक्टिकल्स हैं। अच्छा मैम, एक लेटर सा किसी ने सेंड किया था ग्रुप में, तो उसके रिप्लाई में सर ने और पूछा था कि इज इट ट्रू, तो सर इमरान ने उसके रिप्लाई में बोला था कि अगर ये ट्रू भी है तो ये यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं है। हाँ मुश्किल ही लग रहा है वैसे तो, देखो ना स्टूडेंट्स कैसे बेचारे आके अगर फिजिकल एग्जाम भी होगा तो वो कैसे अरेंज करेंगे, लेकिन तैयार तो रहना चाहिए ना, अपनी तैयारी करनी चाहिए ना मैम, टाइम तो हमारे पास इतना थोड़ा है तो हमें अभी तक यही नहीं पता चल रहा है जी, हम मैम हमें बताएं हिसाब से अपनी तैयारी लेके चले, तुम लोग तैयारी नहीं कर रहे पढ़ने के साथ साथ मैम, बाकी टीचर्स भी पढ़ रहे हैं लेकिन बाकी टीचर्स ने कहा है कि ऑनलाइन पेपर्स होंगे आप उसी हिसाब से तैयारी करें, ये नहीं पता पता सब तरह से तैयार हो अपने आप को, एमसीक्यू के टाइप से भी तैयार रखो अपने आप को और अपने जो है ना ये वाला जो हो सकता है ऑनलाइन एग्जाम हो जाए पैटर्न चेंज कर दे, फिर क्या करो तुम लोग, जाओगे
जब तुम ही आएगी वहां पे सब कुछ छोड़ता है, पेपर तो बेटर होता है। थोड़ा बहुत तैयार रखो ना माइंड में अपने आप, बढ़ते रहो साथ साथ, एटलीस्ट जो है जो हमने काम किया होता है उसको तो तैयार रखो ना, ठीक है? सही है बच्चों? जी मैम। बाकी तो अब यूनिवर्सिटी जो कहेगी आप, हम जाहिर है हमने अपना तो हमारा कोई डिसीजन नहीं होगा ना, हमने तो यूनिवर्सिटी कहेगी उसी को मानना है, वो कहेगी कि ऑनलाइन एग्जाम देना और अपने एमसीक्यू देने हैं, तो वो तो पता ही पहले आप लोगों को, उसमें तो मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है कि जितने भी थ्योरम्स हैं आप लोगों के अपने अनुसारों का क्या करना बोला, स्टेटमेंट्स और फॉर्मूलाज। हाँ जितने भी स्टेटमेंट्स हैं अनुसारों के स्टेटमेंट्स फॉर्मूला वगैरह को मैंने कहा था कि रजिस्टर पे नोट कर दे ना, नोट्स बनाते जी मैम, तो फिर आप जब नोट्स बनाते जाओगे तो फिर आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। नकल शक्ल तो तुम लोगों ने मार देती है, ये तो हो नहीं सकता कि जाहिर है कोई इतना तो नहीं होता है ना, कीड़े का अमल वहाँ पे पेपर आ रहा है और कह रहे हैं मैम इतना मैम जाहिर है ऑनलाइन है। हाँ तो ऑनलाइन है तो अपन को क्वेश्चन से मैम, लेकिन नकल के लिए भी तो अक्ल की जरूरत होती है जैसे आम का। तो कुछ समझ ही नहीं लगती के क्या करने मैम, वो टाइम का ही हमें होता है, हमारा टाइम ना खत्म हो जाए। यस मैम, टाइम का सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, टाइम का और ब्राउजर का, जब हमारा ब्राउजर है वो कहीं लाइट ऑफ जैसे बैठ ना जाए या हमारा पेपर ना होल्ड हो जाए। देखो ना आप मैम, हमारे एडिटर्स ऐसे कभी कभी पेपर भी स्टक हो जाता है। साथे बोल रही थी, मैंने कहा मैम कुछ टीचर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम मैम ही कर रहे हैं, नहीं होता हमारा मतलब मैम, लैपटॉप बंद हो जाता है कभी कभी बिल्कुल ही मैम, वो सुनते ही नहीं है पेपर के दौरान फिर हमारी। लेकिन आपके पास होगी तो ऑप्शन होती है ना, आप इसका अब रीटेक कर सकते हो एग्जाम को, तुम्हारा जो डेट वगैरह दी होती है आपको, लेकिन उसमें भी चांस होता है अगर उसमें कुछ होना जाए गड़बड़ तो फिर कैसे करोगे उसको, ऐसे होते हैं। सेमेस्टर में ऐसे हुआ था कि हमारी क्लास के दो तीन बच्चे ऐसे थे जिनका पेपर ओपन ही नहीं हुआ था। क्या किया उन्होंने मैम? फिर एप्लीकेशन दी, लेकिन फिर बाद में डॉक्टर सलमा सुल्ताना ने सबके लिए एक दिन के लिए खोल दिए थे पेपर जिनके रहते थे। जी मैम शुक्र मेरे तो हो गए थे। बस फिर अगर ये मसला हो क्या आपको, अगर लगे कि आपको ब्राउजर का इशू है तो बस फिर थोड़ा सा जो है ना वो दिक्कत काट के ये आप लोग यूनिवर्सिटी आ जाओ या किसी ऐसे एरिया में चले जाओ जहाँ पे आपको लगता है कि इंटरनेट अच्छा है, आपका जो आपकी जो फैसिलिटी है, क्योंकि इंटरनेट तो आता है बहुत प्रायोरिटी, लेकिन बस इसका लैपटॉप वगैरह अगर अच्छा होना चाहिए ना, वो भी ना हो कि आपने ऐसा लैपटॉप लिया हो जिसकी चार्जिंग के साथ वो चलता हो, लाइट ऑफ हो गया तो वो बंद हो गया, या उसके साथ डिसकनेक्ट ना हुआ हो, कुछ ऐसा भी मसला हो जाए, हर तरह से देखना पड़ता है। तो ये काफी रिस्की काम है ऑनलाइन एग्जाम। जी मैम, डेट शीट तो सुपर से आ जाते हैं, मिड तो नहीं ना ऐड होगा, सारा सिलेबस ऐड होगा, क्यों नहीं ऐड होगा? और एमसीक्यू सिर्फ तुम्हारे दो चैप्टर के नहीं है, अगर एमसीक्यू बनाए जाते हैं तो मैम वैसे ये 11 और 12th मैम एमसीक्यूज बहुत बन रहे हैं, मेरे बच्चे आगे हमने आके बस थोड़े शुरू करने। अच्छा तो तुम लोग एमसीक्यू बना लो, अगर बना के देने मुझे तो बना लो मैम, फिर आप वही देंगे मैम? चलिए हम ऐसा करते हैं, हम सच्ची में आपको बना के देते हैं, पर आप हमसे कहे कि फिर हम आप हमें उन्हीं में से देंगे। मैम कह रही मैं घुमा के दूंगी। चलें ठीक है मैम। मैम मैक्सिमम आपको कितने एमसीक्यूज चाहिए, कितने बना के दें? हमने 100 अपलोड करने होते हैं, तो अब 100 एमसीक्यूज जो है वो कुछ तो मैंने बनाए हुए हैं, 150 हमें बाकी जो है ना उनको शामिल करते ना 40 ही कहा होता है मैम, हमें भी शफल होके आते हैं और सब बच्चों के सेम 60 नहीं होते, अंदर अंदर से चेंज होते हैं। लेकिन जब तुम लोग रीटेक जिन्होंने दिया था उन्होंने देखा था वो पेपर तकरीबन वही था जो पहले पेपर आया हुआ था,
जी मैम तकरीबन। मैम वो तो एक दो स्टूडेंट होते हैं ना, लोग भी दे सकते हो, मेरी तो सारी क्लास ने उठ के दे दिया था, सबके मार्क्स अच्छे हो गए। मैम हमने भी दिया था एक सब्जेक्ट, मैम हमने अलजेब्रा का दिया था, वो इसलिए क्योंकि हमारी पूरी क्लास के तकरीबन किसी के 10 एमसीक्यूज रहते थे, किसी के 20 रहते थे, इस तरह से। चलिए मैम आप पढ़ा दो सबको, लेकिन मैम जिनका कंप्लीट हो गया हो वो तो नहीं ना दे सकते। अभी दे सकते हैं जो मर्जी, तो दिया ही था हमने। जी मैम कंप्लीट थे अलजेब्रा जी, मैम दिया था तब करवाऊंगी, ये थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा ये जिस तरह का बेसल फंक्शन था ना उसी तरह का है, लेकिन वो थोड़ा शरीफ था वैसे जो है ना, वो आप लोगों को ऐसे आराम से निकल आया, लेकिन ये ऐसे आराम से नहीं निकलेगा, इसको थोड़ा सा हमें जो है ना वो टेढ़ी मूल से निकालना पड़ेगा। सही है, इसने देखो आराम से लिख दिया भाई ये सारा कुछ, लेकिन ये इतना को इंक्लूड करके 150 एमसीक्यूज बनाए हैं इसके अलावा, इसको शामिल किया हुआ। ओके मैम, मैम फिर वो एमसीक्यूज हमें सेंड कर दीजिएगा जब पेपर हो गया। जैसे हमारे पास बेसल फंक्शन आए थे ना, मतलब लिजेंडर्स वो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन थे, तो उसको हमने बेसल फंक्शन कह दिया था। ठीक है, इसी तरह से लिजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे उनको कहते हैं लिजेंडर फंक्शंस कहेंगे। और इसके अलावा ये मैंने पहले बताया था ना कि जो हमारी बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कहाँ अराइज होती है हमारी, जहाँ पे हम लोग लाप्लास इक्वेशन को प्ली एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और हम उसको सेपरेशन वेरिएबल से सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे हमारे जो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वहाँ पे डायरेक्ट हम उसको सॉल्व लिख लेते हैं। सही हो गया। अच्छा, अब वहाँ पे हम क्या करते थे, अपनी सेपरेशन वेरिएबल से जो सोल्यूशन निकालते थे, मतलब वहाँ पे वो मैथड ही बहुत लंबा हो जाता है, तो फिर हम आगे तो सोल्यूशन नहीं निकाल सकते ना, तो जस्ट हम उसको आइडेंटिफाई करते थे कि ये बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसका फिर हम सोल्यूशन देख सकते थे कि इसका ऑर्डर क्या है और ये पैरामीटर क्या है कि नहीं है, किस तरह की सेंस है ना, तो डायरेक्ट हम उसका सोल्यूशन लिख देते थे। इस तरह से अगर आप लोग सेपरेशन वेरिएबल से अपनी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म को करते हो डिस्कस, तो वहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी लिजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, और जो सोल्यूशन आपने उसका लिखना होगा ना वहाँ पे, और फिर डायरेक्ट आप उसका लिजेंडर्स फंक्शन लिखो। सही है, समझ आ गई। चलो शायद इसको पढ़ो, इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा पढ़ो। In solving partial differential equation by the method of separation of variables, we are often led to ordinary differential equations with variable coefficients which cannot be solved in terms of familiar functions. In chapter 11, we have discussed the solutions of Bessel's differential equation. Another very important differential equation of this type that arises very frequently in many physical problems, particularly in boundary value problems, involving spherical symmetry in the Legendre's differential equation. This equation occurs in the process of obtaining solution of Laplace equation in spherical polar coordinates and hence is of great importance in applied mathematics, mathematical physics and engineering. Thank you sir. Samajh aaya ki kaha maine bataya aap logon ko कि हम जब करते हैं ना किसी भी पीडीई का सोल्यूशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, चाहे जो मर्जी टेक्निक लगाएं, तो वो क्या हो जाती है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, फिर हम उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल के दोबारा से जहाँ से हमने स्टार्ट किया होता है वहाँ पुट कर देते हैं। मतलब टेक्निक्स में भी जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट इतना आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एक टेक्निक है, जैसे हम अपनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से, इसी तरह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की टेक्निक है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। उसके अंदर कहता है जब हमारे पास लैपलास इक्वेशन किस कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में आती है, स्फेरिकल पोलर, इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, जो आप लोगों की बेसल इक्वेशन है उसमें क्या होता है भला, फातिमा आप बताओ बच्चे, बेसल में क्या था भला, अगर हमारी लैपलास इक्वेशन
शाबाश, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, चाहे वो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स थे चाहे वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स थे, अगर हमारे लिए लाप्लास इक्वेशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में आती है तो फिर हम लोग जो है वो उसको बेसल्स इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, मतलब जो हमारी इक्वेशन बनती है ना आगे जाकर, फिर हम उसका जो सोल्यूशन है वो डायरेक्ट बेसल फंक्शन लिख देते हैं। लेकिन अगर हमारे लिए लाप्लास इक्वेशन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में आ जाए तो फिर हम लोग क्या करते हैं उसका वहाँ पर वो बन जाती है लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर उस लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो वहाँ पे प्रॉब्लम होंगे ना जब आप इंशाल्लाह पढ़ोगे अपनी पीडीएस, तो उसके अंदर क्या होगा आपकी वो वेव इक्वेशन भी हो सकती है, वो आपकी हीट इक्वेशन भी हो सकती है, वो आपकी लैपलास इक्वेशन भी हो सकती है, आपकी वेव हीट में वेट हीट वेव हीट एंड लैपलास में क्या रिजेम्बलेंस है बस। एनी स्टूडेंट फ्रॉम बॉयज, वेव हीट और लैपलास इक्वेशन किसी के किसी बच्चे को रिजेम्बलेंस का पता है, रिलेशनशिप का पता है क्या होती है इनके दुनिया में, गर्ल्स में से किसी को पता है? क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही मैम। हां आ रही है, पता है कि नहीं पता क्या होती है वो? मैम नहीं पता। नहीं पता? उन्होंने कभी नहीं बताया वेव इक्वेशन क्या है? लैपलेस पहले तो बताओ मुझे, लैपलेस इक्वेशन क्या होती है? नहीं पता वो भी, लैपलेस इक्वेशन क्या होती है? सेमेस्टर क्या हो गया तुम लोगों को? लैपलेस इक्वेशन होती है अगर सब पीडीज के अंदर भी क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल तो सिंगल होता है, लेकिन फर्क क्या क्या होता है पीडीज में और ओडीज में? मैम इंडिपेंडेंट पार्शियल और जी में, इसमें आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपका मोर देन वन होता है, और जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो सिंगल होता है। लेकिन डिपेंडेंट दोनों में सिंगल होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट का फर्क है, एक में जो ऑर्डिनरी है उसमें इंडिपेंडेंट सिंगल होता है, लेकिन जो पार्शियल है इसमें आपका इंडिपेंडेंट मोर देन वन होता है। इसके अलावा आपका नोटेशन का भी फर्क पड़ जाता है, ऑर्डिनरी में हम लोग डी का सिंबल यूज करते हैं और पार्शियल में हम लोग अपना कर्ली का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैंने कह दिया है कि ये टू डायमेंशनल लैपलास इक्वेशन है और मेरे पास जो है डिपेंडेंट वेरिएबल यू है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई है, तो आपके पास जो लैपलेस इक्वेशन है वो कैसे आपकी आती है? पार्शियल टू यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल टू यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, समझ लगी लैपलेस इक्वेशन क्या होती है? पार्शियल टू यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब ये जरूरी नहीं कि एक्स वाई में हो, ये वाई जी में भी हो सकती है, ये एक्स जी में भी हो सकती है, मतलब सपोज दैट मैंने टू डायमेंशन में कह दिया है, ये हो सकती है पार्शियल टू यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल टू यू बाय पार्शियल जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही है, तो दर्शा अगर ये थ्री डायमेंशन में इक्वेशन बतानी है तो ये कैसे होगी लैपलास इक्वेशन? मैम फिर एक और इंडिपेंडेंट आ जाएगा, w ले लेंगे पार्शियल स्केल जी में, पार्शियल स्केल u बाय तीनों का सम करें तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको क्या बोलते हैं? लैपलास इक्वेशन, पार्शियल 2u बाय पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल 2u बाय पार्शियल y स्क्वायर प्लस पार्शियल 2u बाय पार्शियल z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको अच्छा अगर इसी तरह से मुझे टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन बतानी पड़े तो उसमें क्या है आ जाता है फैक्टर, पता है कि नहीं पता? जिसमें टाइम वेस्ट ना करना मिलता तो पता नहीं पता, टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन क्या होती है? उसमें हमारे पास इसमें लैपलास में तो इज इक्वल टू 0 आ जाता है ना, तो हीट इक्वेशन में क्या आ जाता है? पार्शियल यू बाय पार्शियल टी, एक साइड पे क्या आ जाता है? पार्शियल यू बाय पार्शियल टी, टाइम डेरिवेटिव भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है ना, पार्शियल यू बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, सपोज करो हम उसका अल्फा स्केयर ले लेते हैं, अल्फा स्केयर इंटू पार्शियल टू यू बाय पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल टू यू बाय पार्शियल वाई स्केयर। सही है, तो इसमें बोला क्या हो गया, जो लैपलास इक्वेशन है उसके अंदर हमारे पास जो है अगर हम लोग उसका राइट हैंड साइड पे इज इक्वल टू कर लें या लेफ्ट हैंड साइड पे कर लें इज इक्वल टू पार्शियल यू बाय पार्शियल टी, तो इक्वेशन क्या बन जाती है हमारी? हीट इक्वेशन। और पहला वेव इक्वेशन कैसे बनेगी?
उसके अंदर डबल डेरिवेटिव टाइम के लिए आ जाएगा, पार्शियल 2 u का पार्शियल t स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, पार्शियल 2 u का पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल 2 u का पार्शियल y स्क्वायर, अगर थर्ड 3 डायमेंशन में लेना है तो z को भी शामिल कर लो। अब समझ लग गई जी मैम? चलो आप बताओ जरा नताशा क्या बताया मैम? मैं कौन सी हो रही है पीडी दो इंडिपेंडेंट के लिहाज डिफरेंट और उनको सम इक्वल टू जीरो आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैम पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल y स्क्वायर इक्वल टू जीरो। v नहीं आना, पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल y स्क्वायर, डिपेंडेंट को सेम ही रखना है, यू ही रखना है यहाँ पे, मतलब यू ले लिया तो यू ले रखना है, वी ले लिया तो वी ही रखना है, बस नीचे चेंज होना है आपका। ये टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन है, अगर थ्री डी लाप्लास इक्वेशन हो तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? मैम इसमें फिर एक और प्लस कर देंगे, पार्शियल के यू ओवर पार्शियल वी के इक्वल टू जीरो। सही हमें लग गया। अच्छा टू डायमेंशनल इक्वेशन बताओ मैम, वो पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल टी का स्क्वायर। बड़ा बोलो जी मैम। बड़ा बोलो मैम, पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल टी का स्क्वायर। लैप्लासियन है, लैप्लासियन जो भी लैप्लास इक्वेशन बोलते हैं उसकी एक साइड पे लगा दो पार्शियल यू बाय पार्शियल टी तो आपकी ये इक्वेशन बन गया। जीरो की जगह पे क्या लगा दो? पार्शियल यू बाय पार्शियल टी लगा दो तो वो क्या बन जाएगी आपकी ये इक्वेशन। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको टू डायमेंशनल ये इक्वेशन है या थ्री डायमेंशनल, ठीक है? सही है। और वेव इक्वेशन क्या हो जाएगी? वेव इक्वेशन क्या होती है बोला आपकी? वेव इक्वेशन में ये टाइम डेरिवेटिव जो है वो डबल डेरिवेटिव का आ जाता है, पार्शियल टू यू बाय पार्शियल टी स्क्वायर प्लस पार्शियल टू यू बाय पार्शियल पार्शियल टू पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर और बाकी सारे के सारे आपके आ जाते हैं। तुम लोग को दिखाती हूँ जरा क्लास में, तुम लोग फिर वैसे की वैसे पढ़े हो, कहाँ गई मेरे पीडीज क्या जो है बच्चा और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा ये, इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा होगी ना तो 10-5 मिनट के लिए दोबारा ज्वाइन कर लेना, तो वो फिर मैं आपको क्या इसको स्टॉप शेयरिंग करूँ और स्क्रीन शेयरिंग करूँ तो अंदर ही कोई ना बस आप आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या होता है, ये कहाँ पहुँच गए कहाँ पहुँच गए आगे जा ये देखा सीरम बनाएंगे। अच्छा ये देखा, ये जो नज़र आ रही है ये क्या है कोई ना, ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, ये क्या है हमारे पास वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। सही है समझ लगे? तो वेव इक्वेशन में क्या हो जाता है हमारे पास ये फैक्टर आ जाता है ना, पार्शियल टू यू पार्शियल टी स्क्वायर का फैक्टर आ जाता है। सही है, हीट इक्वेशन में क्या हो जाएगा अगर वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है, ये भी वेव इक्वेशन ही है, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास मैम? पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी के ला कौन कितने पे किया थी 20 चलो देखो। अच्छा अब यहां से देख लिया, सही सर थैंक यू सर, आपने सही बताया, ये देखो ये वाली सही है हीट इक्वेशन ये वाली, ठीक है ये वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है, सही हो गया पार्शियल ओवर पार्शियल। और ये क्या है बल आपके पास मैम? लाप्लास इक्वेशन,
टू डायमेंशनल। अब देखो टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन के साथ हमारे पास वो ग्रीट इक्वेशन आ जाती है, अगर इस साइड पे हमारे पास पार्शियल यू बाय पार्शियल डी आ जाता है तो ग्रीट इक्वेशन बन जाती है, अगर पार्शियल टू यू बाय पार्शियल डी स्क्वायर हो जाता है तो हमारे पास वेव इक्वेशन बन जाता है। ये भी सारी लाप्लास इक्वेशन, सारी लाप्लास इक्वेशन तुम्हें लगी है ना, डिफरेंस तो चल गया ना आप लोगों को जो मैं बताना चाह रही थी एक्चुअली। तो उसमें वेव इक्वेशन में पार्शियल टू यू बाय पार्शियल डी स्क्वायर आ जाता है और ग्रीट इक्वेशन में आपके पास पार्शियल यू बाय पार्शियल डी। ये आप लोगों ने जो है वो इंशाल्लाह करना है, सही हो गया। तो अब मैं जो है वो दोबारा से जाती हूँ अपने इस चैप्टर की तरफ। ये इसमें हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन कर लिया, लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है इसको थोड़ा सा देख लो, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में मंडे से स्टार्ट करेंगे। द सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस टू एक्स वाई डैश प्लस एन इन 12 प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच मैथमेटिशियन ए एम लेजेंडर्स। Or the parameter n in equation 1 is a given real numbers. The solution of equation 1 are called the Legendre's function of order n. ध्यान रख बस आपने करना है। अब बाकी आगे से जो solution निकालने वाला है Frobenius method से वो इंशाल्लाह हम next lecture में। Clear हो गया बच्चों? सही है? तो बाद में बच्चे इनके स्क्रीनशॉट ले लो बस 21 लोगों के, बाकी ये जो है ये वाला जो डिटेल है ना ये अब हमसे कंप्लीट होना कोई नहीं है, तो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट करेंगे। इसमें बाकी सारा पैटर्न वही है, फ्रोबेनियस मेथड लेना है, फ्रोबेनियस मेथड लेने के बाद एडिशनल इक्वेशन बननी है बीटा के रूट्स लेके, तो फिर हम लोगों ने इसका रेफरेंस फार्मूला बना लेना है। अगली सारा ये डिस्कशन है, ठीक है, लेजेंडर्स पॉलीनोमियल बन जाती है और उसके बाद उसने ग्राफ शराब बताएंगे, ये थोड़ा सा कम्प्लीकेटेड है, इसलिए फिर मैं चाहिए स्टार्ट करना चाह रही हूँ।